नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। टिकट की आधिकारिक घोषणा होने के बाद प्रत्याशी जनता और पार्टी का धन्यवाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। आज सुबह मुंडका के आम आदमी पार्टी के विधायक धर्मपाल लाखड़ा ने भी पदयात्रा निकाली। बता दें कि इस सीट से इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक की टिकट काटी है और धर्मपाल लाखड़ा पर विश्वास जताया है। तो धर्मपाल लाखड़ा ने पदयात्रा में भारी भीड़ जुटाकर यह साबित किया कि पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने मुंडका से इस बार नए चेहरे धर्मपाल लाखड़ा को मैदान में उतारा है। बीते शाम जैसे ही टिकट की घोषणा हुई तो धर्मपाल लाखड़ा ने धन्यवाद यात्रा का आयोजन कर अपने प्रचार की शुरुआत की। मुंडका के मुख्य मार्ग से होते हुए ये धन्यवाद यात्रा भैरव मंदिर तक पहुंची। धर्मपाल लाखड़ा ने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और भारी भीड़ जुटाकर ये संदेश दिया कि पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। धर्मपाल लाखड़ा ने कहा कि मुंडका में दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है, वो दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और अपनी योजनाओं को लेकर जनता से वोट मांगेंगे। मुद्दे पब्लिक बताएगी, जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं पूरे मुद्दे पूरे करूँगा। गाँव देहात में कोई, यहाँ तक सबसे बड़ी बात है लोगों के लिए वो खेती की जमीन उड़ती वो है नहीं, कहीं घूमने के टहलने के लिए पार्क तक नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है। इस इलाके में 30 साल में काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जो मेरे से बन पाएगा मैं करके दिखाऊंगा। धर्मपाल लाखड़ा बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं। 2014 में चुनाव में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। धर्मपाल लाखड़ा क्षेत्र के कारोबारियों के नेता भी रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी कार्यकर्ता और मुंडका की जनता फिर उन्हें विधायक बनाकर अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करेगी। धर्मपाल लाखड़ा ने यहां से विधायक रहे सुखबीर दलाल को भी अपने साथ लाने का दावा किया है। सुखबीर दलाल को मैं पैर पकड़ के अपने साथ लेकर आऊंगा। जो पार्टी के मुद्दे हैं मेरे वही मुद्दे रहेंगे, उस तरह कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ जनता की सेवा करना, गरीबों का ध्यान रखना और रोड नाली बिजली पानी शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। मुंडका से विधायक की टिकट कट जाने के बावजूद भी अभी तक कोई विरोध या हंगामा नहीं दिखा, ये बात आप सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन विजय चौधरी के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।